यूरिन में जलन होना कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन का साइन है और इसको हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन, दिल्ली एनसीआर। तो यूरिन में इन्फेक्शन के कौन से कारण हो सकते हैं? बर्निंग सेंसेशन या फिर पेशाब में जलन होना यूरिन इन्फेक्शन का एक सिम्टम है, जो कि हमें जल्दी से जल्दी ध्यान में रख के इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोर किया तो फिर यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ के बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील हो सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर या फिर किडनी में पस भर जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर किसी को यूरिन में जलन हो रही है तो फिर उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि यूरेथ्राइटिस, कई बार प्रोस्टेटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गई, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गई। तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कई बार कुछ और कारणों से, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, क्लमाइडिया, गोनोरिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। अदरवाइज यूरिन में जलन होना कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन का साइन है और इसको हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना चाहिए। ये हो सकता है इन्फेक्शन ब्लैडर या फिर सिस्टाइटिस हो, या फिर ये एक अपर यूटीआई का भी सिम्टम हो सकता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम जाने कि ये क्यों हो रहा है। अगर किसी को यूरिन का इन्फेक्शन, जैसे कि जलन हो रही है, तो इसको हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये किस कारण से हो रहा है, और इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस कराने होंगे, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे या फिर सीटी स्कैन। और किस कारण से है, मतलब कि या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि फंगल इन्फेक्शन है, ये देखना भी ज़रूरी है। यूजुअली कॉमन कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा ही यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जिससे कि जलन होती है, और उसमें हमें अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स राइट डोज और राइट ड्यूरेशन के लिए देना होता है। कई बार कुछ लोग जैसे सर्जरी कराते हैं, कोई यूरोलॉजिकल प्रोसीजर कराया, उसके बाद में कैथेटराइजेशन के बाद में भी यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन होता है। और इसके लिए हमें कई बार आईवी एंटीबायोटिक्स थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है। यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अंडरलाइन कॉज कि वो क्यों हो रहा है वो जाने और उसको हम ठीक करें। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, किडनी स्टोन है तो उसका उपाय करें, इसके अलावा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ठीक करें, और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।